गाइस आज घोस्ट कम्युनिटी पता नहीं भाई केक वाले की दुकान पे इतनी खुश हुई थी। ओके तो यहाँ पर घोस्ट कम्युनिटी ने केक की शॉप पे से शायद केक खरीदा है, शायद किसी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे स्किबिडी स्किबिडी हैप्पी बर्थडे। व्हाट स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर का बर्थडे आता है क्या? शुक्रिया दोस्तों स्किबिडी स्किबिडी और तुमने मेरे लिए इतने बढ़िया बढ़िया केक खरीदे। ओए हैप्पी बर्थडे भाई साहब चूचू चार्ल्स भी इधर है। अरे हैप्पी बर्थडे। अरे भाई सर्बियन डांसिंग लेडी भी है, पूरी घोस्ट कम्युनिटी आ रखी है। स्लेंडर मैन कहाँ पर है? और देखिए भाई स्किबिडी को गिफ्ट में कितना बड़ा सूट दिया है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। एक मिनट ये कौन रो रहा है? मैं क्या करूँ, घोस्ट कम्युनिटी मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, मेरी क्या गलती है? ये कौन है भाई साहब और इसके हेड पे सींग है? ओ माय गॉड यार ऐसा ह्यूमन मैंने आज से पहले नहीं देखा, मुझे से बात करनी चाहिए। अरे जाल तोड़ता हूँ भाई साहब, जाल तो टूट गया। हेलो भाई तू कौन है? तुझे घोस्ट कम्युनिटी ने किडनैप क्यों कर रखा है? अरे भाई फ्रैंकलिन तू आ गया है, तू मुझे कैसे जानता है? अरे मैं डेविल बॉस हूँ। डेविल बॉस भाई साहब और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं घोस्ट कम्युनिटी में ज्वाइन होने आया था, इन लोगों ने मुझसे मेरा जन्मदिन के बारे में पूछा, मुझे पता नहीं था, ना ही मेरे मम्मी पापा धरती पर हैं, मेरे पापा हेल में रहते हैं। हेल में रहते हैं बिल्कुल, इसलिए इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। बोलते हैं कि ये मुझे अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर तेरा बर्थडे नहीं आता तुझे अपनी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे? अरे तू भी घोस्ट कम्युनिटी में ज्वाइन होने लायक है भाई साहब, देखिए तुझे कितना खतरनाक लग रहा है डेविल बॉस। आजा तू मेरे साथ आ, मैं यहाँ पर इनसे भी बोलता हूँ कि ये तुझे टीम में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। ओए घोस्ट कम्युनिटी बहुत मजा आ रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है। और इसके बड़े अबे ये इंसान हमारी पार्टी में क्या कर रहा है? अरे यार मैं तो इस डेविल बॉस को लेकर आया हूँ, गाइस प्लीज मुझे ज्वाइन कर लो ना यार, मैं डेविल बॉस हूँ, मैं सबसे बेस्ट रिजल्ट दूंगा, घोस्ट कम्युनिटी का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बनके दिखाऊंगा। अरे निकल यहाँ से, तेरा बर्थडे तुझे पता है क्या बात है? मेरा बर्थडे मुझे नहीं पता क्या बात है। देख हमारे आज इसके बड़ी का बर्थडे, तेरा बर्थडे का बात है, हम सब एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं और तेरा बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। नहीं हम ऐसे मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे यार ये तुम गलत कर रहे हो। अब इसके बड़े तुझे छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कर, यहाँ पर इसके बड़ी तू अपना बर्थडे मना, फ्रैंकलिन की बैंड में बजाती हूँ। अरे सर्बियन ये क्या तेरा बर्थडे, जब तुझे पता नहीं था याद कर, मैंने यहाँ पर तेरा बर्थडे पता लगवाया था। निकल यहाँ से। हाँ तू बड़ा है, बड़े एहसान दिखा रहा है मुझ पे। अरे बाप रे गाइस देख रहे हो ये सर्बियन तो एहसान फरामोश निकली। अरे मेरा दोस्त फ्रैंकलिन कहाँ गया? देखा इंसानों का दोस्त है वो, घोस्ट कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकता है डेविल बॉस। अरे नहीं वो अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पर उसका दोस्त बना। अरे हम बुरे लोगों के दोस्त बनते हैं, अच्छों के नहीं। भाई साहब बेचारा डेविल बॉस यार, मुझे तो पक्का यकीन हो गया डेविल बॉस भाई घोस्ट कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लायक नहीं है भाई, ये बहुत अच्छा इंसान है, घोस्ट कम्युनिटी तो बहुत बेकार है। ए फ्रैंकलिन निकल जाए यहाँ से, इस बेकार से को लेके इसका बर्थडे तक तो आता नहीं है, मजा आ रहा है। अरे बाप रे गाइस यहाँ पिटाई धुलाई हो गई आज तो, फ्रैंकलिन अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया ही, ना तो घोस्ट कम्युनिटी मुझे एक्सेप्ट करेगी ना इंसान मैं कहाँ जाऊंगा। तू चिंता मत कर मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, तुझे पता है अवेंजर्स सबकी मदद करते हैं, अच्छाई और बुराई सबकी मदद करते हैं, वो पता करके रहेंगे यहाँ पर तेरा बर्थडे का बात है, क्या पता अवेंजर्स को ऑलरेडी तेरे बर्थडे के बारे में पता हो। खैर दोस्तों मैं तो आज पहली बार डेविल बॉस से मिला हूं, मैं फिर भी चाहता हूं हम सब मिलकर इसकी मदद करें, इसलिए जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, हमें डेविल बॉस के बर्थडे के बारे में पता करना होगा, उसकी खोई इज्जत वापस लानी पड़ेगी। कोई बात नहीं घोस्ट कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम तो कर लेंगे, चलो चलो तैयारी करो तैयारी, हल्क भी तैयारी करेगा। अरे दोस्तों ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब डेविल बॉस तो एक काम कर तू वहीं रुक, हाँ मैं भी देख कर आया क्या हो रहा है। उठी कसम बड़ी बढ़िया पिक्चर आएंगी आज तो। ओ भाई साहब थोड़ा क्या हो रहा है? अरे रात को हम बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान। ऑल राइट किसकी बर्थडे पार्टी प्लान है? अरे यार वो मैं नहीं बता सकता। ओ यार मजा आ जाएगा, आज तो हम अपने एक नए दोस्त को और उसको नई पहचान देंगे। भाई साहब गाइस क्या हो रहा है, मैं इस केक को इतना बड़ा बना दूंगा कि हमारा वो दुश्मन दोस्त बन जाएगा। हल्क यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गिफ्ट तैयारी करेगा, मैं तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया लाइटिंग लगाऊंगा, मेरा प्यारा नया दोस्त खुश हो जाएगा। भाई साहब क्या चल रहा है, मेरे को तो लगता है गाइस कहीं अपने डेविल बॉस की बर्थडे पार्टी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। डेविल बॉस तू ना इधर ही रुक, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, फिर तो क्या पता भाई डेविल बॉस ही गई हो। मैंने उसको भाई भेज दिया डेविल बॉस को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका बर्थडे पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो जाए, उसको सरप्राइज देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलो जाके पूछते हैं असल में चल क्या रहा है। अरे थॉर भाई बताना यहाँ पर किसका बर्थडे, यार मेरे को तो बता सकते हो? नहीं उड़ी कसम पूछना है तो किसी और से पूछ, मैं यहाँ पर बिजी हूँ, मुझे रात को बर्थडे पार्टी में बढ़िया बढ़िया फोटोज जो लेने। अरे गाइस ये तो बता ही नहीं रहा यार, खैर टोनी स्टार्क से पूछ ले, टोनी बताएगा। अरे फ्रैंकलिन आ जा तू भी तैयारियां करवा। लेकिन बर्थडे पार्टी किसकी है? अरे उसकी बर्थडे पार्टी है जिसको अपना खुद नहीं पता, उसने जिंदगी में बस बुरे काम किए हैं, लोग उसको एक तरह से डेविल मानते हैं, बस मैं उसी का बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहा हूँ जिससे कि वो अच्छा बन जाए। ऑल राइट
फिर तो पक्का ये डेविल बॉस का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। इसका मतलब आज डेविल बॉस का बर्थडे है, लेकिन आज तो स्किबिडी डॉट मॉन्स्टर का बर्थडे है भाई, आज कैसे हो सकता है सेम दिन उनका बर्थडे। खैर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये तो अच्छी बात है। अरे लगे रहो दोस्तों, लगे रहो तैयार में, लेट्स गो। अब रात को मजा आएगा दोस्तों, डेविल बॉस को बर्थडे पार्टी का सरप्राइज मिलेगा। अवेंजर्स भी भाई मुझे सरप्राइज कर देते हैं कभी कभी लिटरली में। खैर अब चलो शाम होने का इंतजार करते हैं, बहुत मजा आएगा। डेविल बॉस के पास चलता हूँ। डेविल बॉस मेरे भाई क्या हुआ फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया तेरा बर्थडे कब है? अरे नहीं ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ रात को कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है तो उन्होंने बोला है कि हम रात को आएंगे। किसका सेलिब्रेशन? किसी की पार्टी है क्या बर्थडे की? हाँ यही है, लेकिन ये नहीं पता किसकी है। गाइस मैं इसको बता नहीं रहा हूँ जानकर, वरना भाई इसका बर्थडे पार्टी स्पॉइल हो जाएगी। चलो अब शाम तो होने का वेट करते हैं। ऑल राइट दोस्तों यहाँ पर टाइम बहुत तेजी से जाने लग रहा है, अब देखिए कुछ टाइम में शाम हो ही जाएगी। चलो अब जल्दी से चलते हैं और जाकर देखते हैं। गाइस देखिए भाई साहब इतनी जल्दी शाम होली, बस रात होने ही वाली है। अरे यार अभी तक हमारा दोस्त आया नहीं। गाइस देखा अवेंजर जरूर डेविल बॉस का इंतजार कर रहे हैं। हल्क ने बर्थडे पार्टी का सारा तैयारियां कर लिया। अरे मजा आएगा बिल्कुल। हमें हमारे होने वाले दोस्त का इंतजार है जिसके लिए हमने ये बर्थडे पार्टी की तैयारी की है। बहुत मजा आने वाला है, ट्रेन में बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सारी तैयारी कर ली है, अब चलते हैं डेविल बॉस को लेकर, बहुत मजा आएगा। डेविल बॉस मेरे भाई क्या हुआ फ्रैंकलिन, यहाँ पर पार्टी की तैयारी हो गई? अरे हाँ भाई चल 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 चल, तेरे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है। किस तरह का सरप्राइज? अरे तू चलना है, यहाँ पर ज्यादा सवाल मत पूछ। गाइस मजा आने वाला है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो अभी तक नहीं किया तो। गाइस ये लो मैं यहाँ पर ले आया उसको। अरे फ्रैंकलिन आ गया तू, अरे बड़ी देरी कर दी, ये किसको लाया तू? एक मिनट किसको लाया का क्या मतलब है? अरे इसी की तो बर्थडे पार्टी हो रही है आज। अबे पागल हो गया है क्या? अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये कौन है भद्दा सा इंसान? अरे मैं इंसान नहीं हूँ, मैं डेविल बॉस हूँ। ओडिन की कसम, अरे ये तो डेविल बॉस है। अरे ये तो क्या कर रहा है, उसे जान से मार दो। ओए टोनी सर ये क्या लिया यार फ्रैंकलिन? अरे गाइस तुम लोग ही तो बोल रहे थे जो डेविल है जिसको खुद के बर्थडे के बारे में नहीं पता, आज तुम उसकी बर्थडे पार्टी मनाने आ रहे हो। चलो चलता हूँ, अवेंजर्स ने क्यों बुलाया है? अरे आ गया भाई आ गया। अरे हैप्पी बर्थडे रेटल भाई। अरे क्या मेरी बर्थडे पार्टी है आज और मुझे ही नहीं पता? अरे बिल्कुल तेरे लिए हमने सरप्राइज रखा था। एक मिनट फ्रैंकलिन ये सब क्या हो रहा है? ओह नो गाइस तो पोपट हो गया। इसका मतलब अवेंजर्स तुम अभी तक जो तैयारियां कर रहे थे वो रेडल के लिए कर रहे थे। फ्रैंकलिन ये क्या है, ये सही नहीं है फ्रैंकलिन। अरे हाँ यार तुम लोग कम से कम बता दीजिए था। अबे बताया तो था, लोग इसको डेविल से कम समझते हैं क्या रेडल को? अरे शुक्रिया, अरे मेरा सर तो शर्म से ऊंचा हो गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, ये सही नहीं है। अच्छा चलो कम से कम इतना तो बता दो यहाँ पर डेविल बॉस का बर्थडे कब आता है। अरे यार तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे भाई रेडल जरा बताइयो यहाँ पर इस डेविल बॉस का फ्रैंकलिन का बर्थडे कब आता है? अरे मुझे तो मेरे बर्थडे के बारे में पता है। अरे बाप रे मुझे मेरे बर्थडे के बारे में जानना है, बताता हूँ। ये लो और ये लो, आया कुछ बर्थडे याद? नहीं ये कैसे बर्थडे याद करवा रहा है तू? सही नहीं क्या तुम लोगों ने? रेडल देख लेना, अगला बर्थडे तक तो तू भाई जिंदा नहीं रह पाएगा, श्राप दे रहा हूं मैं तेरे को। गाइस ये कब फेंक दिया मेरे को, मैं मर जाऊंगा, मेरा जीना ही बहुत ज्यादा गलत है। इंसानों ने, घोस्ट कम्युनिटी ने, हर किसी ने मेरी बेइज्जती की। अब तो फ्रैंकलिन ने भी मेरा मजाक उड़वाया फालतू में। भाई मैंने मजाक नहीं उड़वाया, सच में मेरे को लगा था सच में तेरा बर्थडे है इसलिए मैं तुझे लेकर गया। आई एम सॉरी यार। गाइस प्लीज कमेंट में सॉरी डेविल बॉस लिख दीजिए, इसको लग रहा है मैंने जानबूझ के इसका दिल तोड़ा है। फ्रैंकलिन अब मैं जा रहा हूं मेरे भाई, जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्लीज मेरे पीछे मत आ, मेरे को मरने जाने दे। मैं अपने बर्थडे के बारे में या तो खुद पता करूंगा या फिर मर जाऊंगा। नहीं डेविल बॉस रुक जा। अरे बाप रे कहां चला गया? गाइस उसको मैं ढूंढ के रहूंगा, मेरे को कार चाहिए। गाइस वो रही मेरी कार। अरे बाप रे ये कब छोड़ दी थी मैंने यहाँ पे? जरूर यार अवेंजर्स ने शैतानी करके भाई बाहर फेंक दी होगी। खैर गाइस हम डेविल बॉस को ढूंढ के रहेंगे, शायद सामने डेविल बॉस है। गाइस यहाँ पे रात और दिन निकली चली जा रही है भाई साहब, उसको ढूंढते ढूंढते मेरे को 2-3 दिन हो गए और यहाँ पर डेविल बॉस का कुछ अता पता नहीं है। डेविल बॉस कहाँ पर है भाई तू? आई एम सॉरी यार प्लीज मेरे को मिल जा। अरे मजा आ गया मजा। अरे हाँ भाई मजा आ गया मजा, यही होना चाहिए डेविल बॉस के साथ। ये सब क्या? अरे बिल्कुल मैं तो सोच रही हूँ पुलिस उसको पकड़ के मारे पीटे। अरे हाँ पुलिस पकड़ मार के पीटे उसको। अरे हाँ चोर है वो चोर। गाइस क्या चल रहा है, तुम लोग डेविल बॉस की इतनी बुराइयों पे हंस क्यों रहे हो भाई साहब, ऐसा क्या है? अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज जल्दी सुन लो, अभी अभी खतरनाक खबर मिली है। डेविल बॉस ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क के साथ मिलकर कोई खतरनाक चोरी करने वाला है। माना गया है ब्लैक फ्रैंकलिन और रेड हल्क उसको लालच दे रहे हैं बर्थडे बताने का, बर्थडे के चक्कर में वो पूरी दुनिया को बर्बाद करवा देंगे। कोई बचाओ इस नए डेविल बॉस से। नहीं ओ माय गॉड गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन रेडल तो मेरे डेविल बॉस को सच में इविल बना देंगे। नहीं गाइस हमें डेविल बॉस की पर्सनालिटी, उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाना होगा। मैं पूरी स्पीड में जाऊंगा, इस ब्लैक फ्रैंकलिन को रेडल को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुन, सामने जो पुलिस ऑफिसर खड़ा है जा उसको मार, उसका वॉलेट चुरा ला और यहां पर पैसे निकाल ला। अरे दोस्तों लेकिन उससे होगा क्या? अरे उससे यहां पर हमारे पास ज्योतिषी आएगी, हम पैसे से ज्योतिषी लाएंगे और तेरे बर्थडे के बारे में तुझे बताएंगे। डेविल बॉस ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को खुद के बारे में खुद नहीं पता था।
और ये तेरा बर्थडे कहाँ से बताएंगे? इस मॉडरेटर को तो अवेंजर्स ने बताया था इसका बर्थडे का, बता। जाडा बोल रहा है, जाडा विल बॉस, तू इसकी मत सुन, हम तेरा असली दोस्त हैं बैटमैन, ये फ्रैंकलिन ने तेरा मजाक उड़वाया था, भूल गया? हाँ फ्रैंकलिन भाई, तू जा, तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा तो तू यहाँ पर जुबान चलाएगा? रुक बताता हूँ, मार इसको, मार इसकी बैंड बजा दे। अरे बाप रे, नहीं मेरे भाई डेविल बॉस को अकेला छोड़ दो। अरे क्यों अकेला छोड़े, उसको हमारे साथ की जरूरत है, निकल यहाँ से, अकेला तो तू रहे जिंदगी भर, श्रापित फ्रैंकलिन, तेरा बर्थडे के बारे में तो ये नहीं पता, हमें बताएगा। भाई साहब कितना गलत किया, मेरे को यहाँ पर एक ऐसी गल लानी पड़ेगी जिससे कि ब्लैक फ्रैंकलिन रेडर की बैंड बजा दूं। लेकिन ये प्लान क्या कर रहे हैं भाई, डेविल बॉस से करवाना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट गाइस, सामने तो पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो दोस्तों मुझे करना क्या है? अरे करना क्या क्या मतलब है यार, जल्दी जार जाके मार। अरे हाँ, तभी तो तू डेविल बॉस कहलाएगा, ये देख ये रहा। अरे बाप रे, अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई, कैसे पता नहीं सरकार ने अकेला छोड़ दिया मुझे, ये बेचारा इंतजार कर रहा है अपनी पुलिस की गाड़ी का, इससे पहले पुलिस की गाड़ी आया, पीट उसको बुरी तरह से, पीट, अपना नाम बढ़ा, दुनिया का सबसे खतरनाक डेविल बॉस बन जा। ओ भाई साहब, ये तो इस कॉप को पिटवाएंगे। नहीं 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 गाइस, मैं पुलिस वाले को बचा के रहूंगा, निकल यहाँ से, ये रे, अरे मारी, क्या ही मारी। अरे क्या हो रहा है यार ये इधर, अबे देख ले डेविल बॉस, ये हमको मार रहा है, हम यहाँ पर तेरा अच्छा चाहते हैं और ये बिल्कुल तेरा अच्छा नहीं चाहता, उसका उल्टा चाहता है, इसलिए हमको मार रहा है भाई, देख ले। अरे नहीं फ्रैंकलिन, ये क्या किया तूने? देखा तूने, इस फ्रैंकलिन ने मुझे मारा, ये हमेशा मुझे मारता है। ओ नो भाई डेविल बॉस, ऐसा नहीं है यार, मैं हमेशा नहीं मारता, ये तुझे ईविल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तू निकल फ्रैंकलिन यहाँ से, मैं पहले से ईविल हूँ। नहीं तू अच्छा है, हम तेरा बर्थडे मनाएंगे, मेरे बर्थडे के बारे में पता तक नहीं है, तू मनाएगा कैसे? मेरे दोस्तों ने मुझसे वादा किया है, वो बताएंगे मेरा बर्थडे कब आता है, तू देता है मुझे वादा? अरे बाप रे गाइस, मैं डेविल बॉस को कैसे समझाऊं? अरे भाई अब जल्दी जा, इंतजार मत कर, जाके उस पुलिस वाले को मार। अरे बाप रे, ये सामने क्या हो रहा है? ए भाई क्या हो गया? मारा, अभी रुक, तेरे को ग्रीन रेड पॉइजन गन से मारता हूं। मैं हूं डेविल बॉस और मैं यहां पर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाऊंगा, मेरे दोस्त मुझे बताएंगे मेरा बर्थडे कब आता है। अरे कोई बचाओ। भाई डेविल बॉस प्लीज ऐसा मत कर, गाइस प्लीज इसको कमेंट में समझाइए, गलत कर रहा है। मौत हो गया, रुक तेरे को बताता हूं, मेरी हालत खराब कर दी। भाई साहब उस बेचारे पुलिस वाले को कितना पीटा, उसका क्या कसूर था यार? ये ले, ओ भाई साहब नहीं नहीं, पुलिस अंकल प्लीज, डेविल बॉस को छोड़ दीजिए, असली यहाँ पर दोषी तो ये रेडल को ब्लैक फ्रैंकलिन है। ओ भाई साहब मेरा भाई डेविल बॉस यार, उसको तो बुराई करना भी नहीं आता, बेचारा देखिए पिट गया। अरे बाप रे, अभी यहाँ पर जल्दी से डिपार्टमेंट बुलाता हूं। ओ नो, मैं कब से यहाँ पर पड़ा था, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, अपने भाई डेविल बॉस को बचाना पड़ेगा, ये लोग उसको पूरी तरह से ईवी बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा हार किस नहीं होने दूंगा, अपने जीते जी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे मजा आ गई, उल्लू बनाया उसका, उसका बर्थडे कैसे बताएंगे तो खुद नहीं पता। अरे मार रहा यार ये, अब मार दिया, निकलो यहाँ से बेटा तुम लोग, गाइस जल्दी जाना पड़ेगा मुझे पुलिस अंकल। अच्छे बच्चे, तो ये बात हुई है, बिल्कुल सर जी, इसने मेरे को मारा है, इसको लेके चलिए, इसको दुनिया का सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड बना दीजिए। नहीं 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 प्लीज गाइस, मेरी बात का यकीन करो, इसको यहाँ पर ना बैड इन्फ्लुएंस में लाया गया है, वो रेडल्क ने ब्लैक फ्रैंकलिन ने उसको लालच दिया था कि अगर ये आप लोगों को पीटेगा तो यहाँ पर वो इसका बर्थडे मनाएंगे। अरे तो इसका मतलब वो बोलेंगे कुएं में कूद तो ही कूदेगा। अरे प्लीज आप ये पहेलिया मत लाइए, आगे से डेविल बॉस ऐसा कुछ नहीं करेगा। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखो ना, इन पुलिस वाले को समझाओ। हम कुछ नहीं समझेंगे, जो होना तो हो गया। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे मेरा बर्थडे मनाना है। हम तेरे को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में लेके जा रहे हैं, उसके चारों तरफ शाख ही शाख हैं, अगर भागेगा तो तेरे को काचा चबा जाएंगे, मैं तेरे को वहां लेके चलता हूँ। नहीं गाइस, ये तो मेरे भाई को विदेश लेके जा रहे हैं, वो भी किसी दूर आइलैंड पे। गाइस नहीं, डेविल बॉस मैं पता करके रहूंगा मेरे भाई तेरा बर्थडे कब आता है, मैं तुझे बचा लूंगा। गाइस यार ये क्या हो गया, फ्रैंकलिन मुझे बचा, फ्रैंकलिन मेरे भाई मुझे बचा ले। ओ नो गाइस, वो कैसे तड़प रहा है यार, उसकी क्या गलती थी, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस मुझे जल्दी जाके अवेंजर से मदद मांगनी पड़ेगी, इस दुनिया में अब से अवेंजर्स हैं जो डेविल बॉस को बचा सकते हैं। ओ भाई फ्रैंकलिन, मजा ही आ गया था दो दिन पहले रेडल के बर्थडे में। अरे तुम वो लोग छोड़ो, डेविल बॉस को पुलिस पकड़ ले गई। हाँ तो पकड़ के कैसे नहीं लेके जाएगी, अरे वो ब्लैक फ्रैंकलिन के साथ बुरे काम कर रहा था। सिर्फ ब्लैक फ्रैंकलिन, रेडल के साथ भी? क्या रेडल फिर से बुरे काम करने लग गया? अरे तुम्हें लगता है वो कभी सुधरेगा? लेकिन फ्रैंकी भैया आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग डेविल बॉस को बचाओ, उसको ना इन्होंने बातों में सिखाया था और बोला था कि अगर वो बुरे काम करेगा वो उसके बर्थडे के बारे में उसे बताएंगे। अरे मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है। गाइस पहले न्यूज़ देख लेता हूँ क्या चल रहा है। अरे
ब्रेकिंग न्यूज, डेविल बॉस को जिस प्लेन में लेके जाया जा रहा था खतरनाक आइलैंड पे, उस प्लेन का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। माना गया है वो ड्राइवर के पुराने एयरपोर्ट की तरफ क्रैश हुआ है। लगता है कोई नहीं बच पाया, सब मर गए। गाइस प्लीज तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे प्लेन क्रैश हो गया डेविल बॉस का। और ऐसा तू चिंता मत कर, हम यहाँ पर पता करेंगे, अगर डेविल बॉस निर्दोष है तो हम उसको बचा के रहेंगे। लेकिन गाइस डेविल बॉस बचा भी होगा जिंदा या नहीं? मुझे तो भाई साहब पूरा प्लेन, ओ माय गॉड, अबे ये तो हमारे सामने क्रैश हुआ है भाई साहब, क्या खतरनाक तरीके से क्रैश हुआ है यार ये। लेकिन फ्रैंकलिन ना तो मुझे इस प्लेन में कोई पायलट दिख रहा है और ना ही कोई कैदी दिख रहा है। नहीं गाइस, अरे ऐसा भी तो हो सकता है डेविल बॉस यहाँ से फरार हो गया और वो पायलट भी। हाँ ये बात तो तूने सही कही, लेकिन वो गया कहाँ पर होगा? गाइस अब अगर हमें डेविल बॉस को सच में ढूंढना है तो उसके लिए हमें हेल जाना होगा। हेल? अबे अबे हम हेल क्यों जाएंगे भाई साहब? क्योंकि डेविल बॉस के पापा वहाँ पर रहते हैं, उसके पापा पे हर तरह की शक्ति होगी, वो जरूर हमें बताएंगे कि डेविल बॉस कहाँ पर है। और हाँ हम ये भी पूछ लेंगे उसका बर्थडे कब आता है। ऐसा लेकिन हेल का रास्ता कहाँ है? मुझे पता है, माइनशाफ्ट गाइस, माइनशाफ्ट, आप सभी तो जानते ही हैं, यहाँ पर हमेशा से भूत प्रेतों का शायर है। इसलिए दोस्तों चलो जल्दी चलते हैं और जाकर देखते हैं कि आगे हो क्या रहा है। भाई साहब अबे फ्रैंकलिन तुझे डर नहीं लग रहा है? मैं अपने दोस्त को लिए कहीं भी जा सकता हूँ, चाहे वो जहन्नुम में क्यों ना हो। इसलिए गाइस एक मिनट, यहाँ पे दो रास्ते हैं भाई साहब, कौन हेल है और कौन सा रास्ता होगा? फ्रैंकलिन मुझे डर लग रहा है इस वाले में, चलते चल राइट वाले में। ओ भाई साहब गाइस ये कौन सी जगह है भाई साहब? अब फ्रैंकलिन ये क्या है भाई, यहाँ तो लावा सुनामी हो रही है खतरनाक वाली। ए तुम लोग कौन हो? अरे बाप रे गाइस, ये तो डेविल बॉस जैसा ही दिखता है लेकिन इसके कपड़े अलग तरीके हैं। अरे अंकल जी आप डेविल बॉस के पापा जी है क्या? बिल्कुल सही कहा, मेरा बच्चा धरती पर चला गया है, पता नहीं कब आएगा मेरे पास। अंकल जी वो खो चुका है, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ पर और क्यों आए हो? मैं ये जानना चाहता हूँ उसका बर्थडे कब आता है। उसका बर्थडे? अरे मूर्खो उसका बर्थडे तो आज रात को ही है। व्हाट? अब फ्रैंकलिन उसका बर्थडे आज रात को हमें पता ही नहीं है। ओ माय गॉड गाइस ये क्या? गाइस चलो हम वहां पे दो काम से गए थे, पहला ये पता करने के डेविल बॉस का बर्थडे कब आता है, ये तो पता चल गया। खैर अब एवेंजर्स को कॉल लगाता हूं। क्या हो गया? गाइस मेरी बात सुनो, स्टार्क मेंशन को दुल्हन की तरह सजा दो। अरे लेकिन क्यों? यहां पर आज रात हमारे भाई डेविल बॉस का बर्थडे है, इसलिए तुम लोग जो चीजें हो सके वो कर लो। लेकिन फ्रैंकी भैया हमारे पास केक नहीं है। केक तुम लोग चिंता मत करो, केक मैं और टोनी ले आएंगे और हम डेविल बॉस को भी ढूंढ के लेके आएंगे। गाइस चलो जल्दी चलते हैं केक की दुकान पे। फ्रैंकलिन यार लेकिन डेविल बॉस हमें टाइम पे मिल तो जाएगा। गाइस आज तो उसका बर्थडे भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। खैर दोस्तों एक बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया ना। ये क्या टोनी? ओ माय गॉड, अबे ये किसने मारा है इतनी बुरी तरह से? मुझे क्या पता भाई फ्रैंकलिन, ओ माय गॉड यार किसी ने बहुत ही बुरी हालत करी है इनको मार मार के। बिल्कुल सही कहा। अरे भाई अरे जल्दी केक ले लो, लास्ट बचा है, जा रहा हूं मैं जल्दी से केक की दुकान बंद करके। अंकल जी वाह कितना बढ़िया केक है। गाइस इस केक को तो भाई हम ही खरीदेंगे। अंकल जी ये बड़ा वाला केक कितने का है? अरे बेटा ले जा फ्री में तेरे लिए। अरे शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह गाइस मैं सबको मार दूंगा, मुझे चाहिए केक। ओ भाई साहब ये तो अपना डेविल बॉस है। ओ बाबा कहीं डेविल बॉस ने तो सबको नहीं मारा, सबको मार दूंगा ये लो। अरे बाप रे डेविल बॉस, लेकिन तू यहाँ पर इस केक को क्यों चुरा जाता है? मैं नहीं चाहता इस दुनिया में किसी का भी बर्थडे बने, जो जो यहाँ पर केक बेचेगा मैं सबको मार दूंगा, अगर मेरा बर्थडे नहीं बनेगा तो मैं किसी का नहीं बनने दूंगा। क्या करें फ्रैंकलिन, इसको बता दें इसका बर्थडे आज है। नहीं नहीं अगर हम बताएंगे तो हम इसको सरप्राइज नहीं कर पाएंगे, मैं सबके केक बर्बाद कर दूंगा, मैं अपनी फैमिली को जाके केक दे दूंगा, मेरी फैमिली सारे केक खा जाएगी, इसलिए किसी का बर्थडे नहीं बनेगा। भाई साहब ये तो गलत बात है यार लिटरली में यहाँ पर। ओ माई गॉड गाइज अब डेविल बॉस की फैमिली कहाँ से आ गई? डेविल बॉस के पापा तो हेल में रहते हैं तो उसकी फैमिली। और मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन फिर से किसी ने झूठ मूठ की फैमिली बनके उसको फंसा लिया है। तूने सही कहा टोनी, चलो उसका पीछा करते हैं। ओ हेलो डेविल बॉस कहाँ लेके जा रहा है भाई इस केक को? दे दे। नहीं फ्रैंकलिन मैंने बोला ना मैं किसी का बर्थडे नहीं बनने दूंगा, मेरा बर्थडे नहीं बनेगा तो मैं भी बर्थडे नहीं बनने दूंगा किसी का। अरे भाई तू यहाँ पे केक चोर क्यों बन रहा है? क्या तूने मुझे केक चोर कहा? तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे अपना दोस्त माना था, भाई तू चुरा क्यों रहा है? मेरी बात सुन प्लीज, ये केक हमको दे दे, ये केक असल में बहुत खास इंसान के लिए है यार मेरी जिंदगी में, जिसका बर्थडे मैं बनाना चाहता हूँ। किसका बर्थडे बताना? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, इसका मतलब अब तू मुझे कुछ बताएगा भी नहीं। देखा तू मेरा दोस्त नहीं है। अरे भाई जरूरी है प्लीज डेविल बॉस यार बात मान जाना, निकलो यहाँ से। अरे बाप रे सॉरी डेविल बॉस, गाइस मैं उसको नहीं बता सकता कि मैं केक इसके बर्थडे के लिए ले जा रहा हूँ, नहीं तो भाई सरप्राइज नहीं रहेगा। प्लीज डेविल बॉस वो केक दे दे यार। गाइस ऑलरेडी यहाँ पर शहर की सारी दुकानें शायद इसने बर्बाद कर दी है, लास्ट केक बचा है। अब फ्रैंकलिन केक के बिना बर्थडे कैसे मनाएंगे, निकल जाओ यहाँ से। फ्रैंकलिन आप क्या करें भाई, वो तो चला गया, हमें पहले पता करना होगा किसने यहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस किया है कि यहाँ पर अगर इसका बर्थडे नहीं है तो किसी का बर्थडे नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर उसको छोड़ेंगे नहीं। गाइस कोई डेविल बॉस की नकली फैमिली है जो उसको ऐसे बोल रही है कि उसका बर्थडे नहीं आएगा तो किसी का नहीं आना चाहिए, यार ये बहुत ज्यादा गलत है। और अब तो हमें पता चल गया उसका बर्थडे कब आता है। बिल्कुल सही कहा गाइस, हम यहाँ पर पता करके रहेंगे कि डेविल बॉस यहाँ पर किसके लिए काम कर रहा है। ऑलराइट दोस्तों, ओ भाई साहब मजा ही आ गया भाई साहब, ये तो घोष कम्युनिटी है। अब फ्रैंकलिन ये कितने बड़े कब हो गए भाई साहब,
ये ग्रैनी कितनी बड़ी हो गई, और ये देखिए इसके बड़े, इसके तो इसके बर्थडे पे मिला था हैं, अब ये चूचू चाल से क्या इसका मतलब गाइस, ये सर्बियन डांसिंग लेडी और जितनी भी घोष कम्युनिटी है ये इसको सिखा रहे थे। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा अब एक काम कर, दूसरे शहर के भी केक लेकर आ, हम इजी थे, हम किसी का बर्थडे नहीं मनने देंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों तुम बहुत अच्छे हो। नहीं भाई डेविल बॉस ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये लोग तुझे बालतू में ईविल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तू ऐसा नहीं है, इनकी तरह बिल्कुल नहीं है। अरे निकल जाए यहाँ से, वैसे भी ये चाहता था घोष कम्युनिटी में जॉइन होना। तुम लोग इसको क्यों सिखा रहे हो, तुम लोग नहीं चाहते ना कि ना तो किसी और का बर्थडे मनने देना, खुद का बनाए। इसका कोई बर्थडे ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से, हमारे भाई का बर्थडे आता है। फ्रैंकलिन झूठ मत बोल, तू बता कब आता है मेरा बर्थडे। वो तो मुझे नहीं पता। देखा इसके बड़े फ्रैंकलिन बेकार है यहाँ पर, देख ले डेविल बॉस कैसे पीट रहा है हम सबको, निकलो यहाँ से, और उसके बड़े इसके बड़े, और डेविल बॉस बचा हमको। गाइस यार घोस्ट कम्युनिटी की तो मैंने सही बैंड बजा दी यार, अब इसका क्या करूं, मेरे पास एक वैसे बढ़िया प्लान है। डेविल बॉस मेरी बात सुन, मैं इस केक को लेके जा रहा हूं, नहीं मैं इस केक को नहीं लेके जाने दूंगा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, टोनी स्टार्क यहां पर ना डेविल बॉस जरूर इस केक को लेने स्टार्क मेंशन आएगा। लेकिन ऐसा क्यों, अरे हम ना एक काम करते हैं, स्टार्क मेंशन जाते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है और आज रात तो वैसे ही उसका बर्थडे मनाना है, तो जैसे ही वो स्टार्क मेंशन आएगा ना हम लाइट्स ऑफ रखेंगे, और जैसे ही वो हमें पीटने आएगा, केक छीनने आएगा, हम हैप्पी बर्थडे करके उसे विश कर देंगे और वो खुश हो जाएगा। भाई प्लान तो अच्छा है, रुक जाओ मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, मैं उसको एक को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, मैं किसी का बर्थडे नहीं मनाने दूंगा। फाइनली गाइस देखिए यहां पर आते आते रात हो गई है। ओ भाई साहब, अरे यहां तो जन्नत दिख गई, आते ही कितनी खूबसूरती है। अरे आ जाओ डेविल बॉस के लिए, हैप्पी बर्थडे डेविल बॉस भैया। हैं डेविल बॉस भैया कहां पर है? अरे वो आने वाला है भाई, बहुत गुस्से में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा गाइस, यहां पर एक काम करो, जितनी भी यहां पे तैयारियां की है ना फिलहाल इस सबको बंद करो। अरे बाप रे ऐसा क्यों, अभी तो हल्क ने केक भी नहीं खाया। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट वाइट बंद कर दो, क्योंकि डेविल बॉस को पता नहीं चलने चाहिए कि यहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। ओए हाँ टोनी सर ने सही कहा, अरे हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए गाइस फिलहाल हमने अंधेरा कर दिया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी का बर्थडे नहीं बनने दूंगा, जब मेरा बर्थडे नहीं बनता मैं किसी का क्यों बनने दूं। हैप्पी बर्थडे डेविल बॉस। हैं ये सब क्या है, हैप्पी बर्थडे डेविल बॉस भाई। गाइस जल्दी से कमेंट में हैप्पी बर्थडे डेविल बॉस लिखिए और वीडियो लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया, कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हैप्पी बर्थडे बच्चे डेविल बॉस। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं हम हेल गए थे तेरे पापा से पूछने, वो तुझे बहुत मिस करते हैं, उन्होंने भी अपनी ढेर सारी विशेष भेजी है। दोस्तों ये सच में मेरा बर्थडे है क्या? अरे ये सब मेरे लिए था। अरे हाँ भाई तेरे लिए इतने पिटे, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। कोई नहीं भाई, आज तेरा बर्थडे है, हमने सब कुछ मंजूर कर लिया, बिल्कुल हल्क की तरफ से ही बर्थडे, बस हल्क को बर्गर खिला दो। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, थैंक यू सो मच।